हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ फेयर। माय नेम इज जैस्मिन संधू, आई रीड इन 8th क्लास। मैं थोड़े सामने आज मैथ विषय से संबंधित क्रिया करने जा रही हूँ। मेरी क्रिया का नाम है दो पसारी नेटवर्क हो सक क्रिया बना के सिखरा किनारिया के पासा की गिनती पता करना। जिस तरह मेरे हूँ साथी ने दसा है कि ठोस कृतियाँ हमेशा तीन पसारी होंगे हैं, इस तरह मैं कुछ शेप्स लगिया हुई हैं। एक वेलन है, एक कण है, एक तनाव है, एक शंकु है, तो एक पिरामिड है। इस तरह मैं एक कागज ना कट के कुछ शेप्स बनाई हुई हैं। तुम देख सकते हो एक कण है, ये इसके छेप अलग हैं, एक दो तीन चार पाँच छे छे फलक हैं, इसके 12 किनारे हैं। इसके शिखर पता करने मैं इसमें इस तक धागे पाए हुए हैं। तुम देखोगे कि इसमें मैं इस तरह खींचागी तो सू एक कण बनता है जो कि तीन पसारी थ्री डायमेंशनल। इस तरह इसके फेसिस देख सकते हो, एफ प्लस बी बराबर ई प्लस टू। इस जो फेसिस है इसके ये छे फेसिस हैं, इसके छे फेसिस हैं, वर्टीटेक्स के 8 है। आप इन दोनों प्लस करेंगे तो साढ़े को 14 आंसर आता है। ये 12 जोड़े किनारे है, आप इरेगुलर फार्मूले राने 2 है ये प्लस करा, 12 से 2 प्लस करने साढ़े को फिर भी 14 आंसर आता है। इस मैं सारे 14 इरेगुलर फार्मूले राही निकाले हुए हैं। इस तरह मेरे एक पिरामिड है, इसके 4 फलक हैं, 1 2 3 4 फलक हैं, इसके 6 किनारे हैं, इसके 6 वर्टीटेक्स है, 4 वर्टीटेक्स हैं। इसमें इस तरह मैं जोड़ांगी, देखूंगे मेरे तो एक पिरामिड तैयार हो गई है। ये भी मैं बिल्ले फार्मूले राही कढ़े हैं। इसके जो फेसिस हैं 4 फेसिस हैं, वर्टीटेक्स भी 4 हैं। ये साढ़े को 8 आंसर आ जाता है। 4 से 4 प्लस करना साढ़े को 8 आंसर आ जाता है। एक स्क्वेयर पिरामिड है, बस ठीक है, लास्ट हो गई है। पिरामिड ते प्रिज्म दे विच की फर्क होता है? ये प्रिज्म ते पिरामिड च की फर्क होता है? पिरामिड दा सम्मुख धार दे बराबर नहीं होता। पिरामिड दे विच बराबर नहीं होते, प्रिज्म दे विच बराबर होते। थैंक यू।